फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका हूँ। अब इसको बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पर लगा देंगे उन्हीं पाइप्स का एक पोल और उसी से मैच करते हुए यहाँ पर छोटे छोटे इंटरेस्टिंग पोल्स। अब क्योंकि हमारी नंबर प्लेट और नेम प्लेट मकान के सामने वाली साइड होती है तो इसी से परपेंडिकुलर हम लोग एक वहां पर लगा देंगे ताकि सड़क के दोनों साइड से भी वो दिखे। तो आइए समझ लेते हैं प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ये है कि हमारा ये मेन गेट है, इसके साइड में हम लोगों की बाउंड्री यहाँ तक जाती है। तो आइए देख लेते हैं इसको किस तरीके से हमें करना है। सबसे पहले हम ये डंडे लगवाने वाले हैं। डंडे जो है इसका जो स्ट्रेट वाला पार्ट है वो 1 फुट का होगा अप्रोक्सीमेटली, एंड इसके ऊपर लगेगी बॉल। बॉल वो खुद से लगा के देगा। तो आपका ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा का पूरा 1.5 फीट या फिर 1.25 फीट बन सकता है। इसके बीच में हम लोग डाल लेंगे चेन। चेन स्टील वाली ही डालिएगा तो ज्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी। ऐसे कई सारे डंडे लगा के फिर एंड में हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक एल लगाएंगे तो एल वाला डंडा कुछ इस तरीके से रहेगा। ये एल वाला डंडा इसमें जो पाइप्स यूज हुई है उसी पाइप से बनेगा। ये वाली थोड़ी पतली पाइप्स होंगी, ये मोटी पाइप्स नहीं होंगी। जैसे कि अगर मैं आपको अप्रोक्सीमेशन दूं तो ये 2 इंच वाली पाइप से बनेगा और ये वाला 4 इंच वाली पाइप से बनेगा, क्योंकि ये वाला 4 इंच से बना है इसीलिए। तो ये वाला मोटे वाले उससे बनेगा जिसमें यहाँ पर एल बनेगा, 2 चेन यहाँ पर वेल्ड करा लीजिएगा और एंड में जैसे ये बॉल है उसी का बड़ा वर्जन यहाँ पर लग जाएगा और ये सब का सब आपका जो टाइल है टाइल के अंदर लग जाएगा एंड ये फिक्स हो जाएगा। वो स्टील वाला ही करके देगा, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब चलिए स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं अपने बड़े वाले एल की। तो यहाँ पर हम लोग एक हट बनाएंगे और हट के नीचे अपना जो हाउस नंबर है हाउस नंबर को हम लोग वेल्ड करा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये लग जाएगा और यहाँ पर आपकी जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से लग जाएगी। हट हमने इसलिए लगाई ताकि अगर ऊपर से बारिश आई तो उससे कोई यहाँ पर डैमेज ना हो। अब लाइटिंग को किस तरीके से करना है, सपोज हमारी गार्डन लाइट का यहाँ पर है जो मेन हिस्सा है तो यहाँ से वायर डालने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक छोटा सा छेद करा लेंगे जो यहाँ से वायर अंदर जाएगी और इस डंडे के ही थ्रू यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ आएगी यहाँ पे। फिर हम लोग क्योंकि हमें इस पे फोकस करना है तो चाहे हम ऊपर लाइट लगाएं चाहे यहाँ पर नीचे की तरफ लाइट लगाएं तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा छेद करा लेना होगा। तो यहाँ से वायर डाली और यहाँ से आपकी वायर बाहर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग एक और एडिशन कर सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा पाइप लगवा लें और यहाँ पर भी एक छेद अंदर करा लें ताकि बाद में इन फ्यूचर अगर आपको यहाँ से भी एक बहुत सुंदर सी लाइट टांगनी हो तो वो भी आप कर सकें। चलिए आगे का काम शुरू करें। ये जो हमने लाइट बनाई थी ये बहुत बढ़िया से काम कर रही थी, अब बारिश हो या फिर आंधी, पर सिंस चेंज इज इंपॉर्टेंट चलिए बनाते हैं कुछ नया। तो इसके लिए मैं आ गया हूँ मिस्टर DIY। देखते हैं यहाँ पर मुझे क्या मिलता है जिससे कि मैं कुछ कर सकता हूँ धमाकेदार। सो घूमते घूमते मुझे ये स्टेनलेस स्टील के बहुत ही क्यूट डिजिट्स मिल गए हैं एंड सिंस मेरे घर का नंबर है 43 इसीलिए यहाँ पर मैंने 4 और 3 के डिजिट ले लिए हैं। तो चलिए इसे परचेज कर लेते हैं। अब मैंने अपने नंबर्स को इसमें वेल्ड करा लिया है एक प्लेट पे। मैंने प्रोविजन दिया है कि मैं इसे स्क्रू से भी लगवा पाऊं पर क्योंकि ये मेरे बेल के पास रहेंगे इसीलिए इसे नेचुरल लुक देने के लिए मैं इसे रस्सी से बांधने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हो रही है बहुत अच्छी बारिश और उसके बीच में हम यहाँ बाहर काम करने आए हैं तो आप देख ही सकते हैं इन दोनों के बीच में दोस्ती कितनी गहरी है। अब इसको थोड़ा सा साइड कर लेंगे ताकि इसे काम करते हुए चोट ना लगे और बाकी मैं अपने 43 को थोड़ी सी जगह बना के यहाँ पर लगा लूंगा। अब क्योंकि मेरा फ्रंट फेस उस साइड से पड़ेगा इसीलिए मैंने 43 को उस साइड से लगाया ताकि आप अपना फ्रंट फेस देख लें और फिर उस हिसाब से काम करें। तो चलिए अब इसको रख के बांधना शुरू करते हैं। तो ये लीजिए हो गया और देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। चलिए अब काम कर ही रहे हैं तो इसको भी कर ही लेते हैं और यहाँ पर लगा लेते हैं अपनी गार्डन फोकस लाइट। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो चलिए अब इसको हटा करके मैं ले आया हूँ अपने गार्डन की फोकस लाइट्स। ये होती हैं वाटरप्रूफ एंड डस्ट प्रूफ। तो ये है मेरा रेड कलर, ये है ग्रीन कलर, साथ में एक टेस्टर, इलेक्ट्रिसिटी टेप एंड कटर। तो चलिए कनेक्शन शुरू करते हैं। तो इसको लगाने के लिए जो रस्सी लगाई थी उसी के साथ लाइट लगाने का भी प्लान बन गया तो इसीलिए इसे खोलना पड़ा और अब चलिए लाइट लगा लेते हैं। ये लीजिए हो गया, अब बस करना है रात का इंतजार। लीजिए क्या ख्याल है। अब चलिए भाई इसका तो काम हो गया,
अब इसके नीचे करते हैं कुछ ऐसा जिससे कि इसमें और भी ज्यादा ब्यूटी आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे घर को बने हुए 7 साल हो गए हैं एंड ये 7 साल से हमारे पास ऐसे ही इंटैक्ट पड़े हैं। तो चलिए इसमें से देखते हैं कि क्या निकाल सकते हैं। तो छत के उस खजाने में ढूंढते हुए हमें मिल गए ये 3 बहुत खूबसूरत से वुडन ब्लॉक्स। अब इसकी नेचुरल ब्यूटी की तो मैं क्या ही तारीफ करूं। इसकी मैं नेचुरल ब्यूटी को प्रिजर्व करना चाहता हूं, इसीलिए या तो मैं इसमें रद्दा लगवा लूंगा या फिर इसमें करा लूंगा पॉलिश। उसमें आपका जो कलर है वो भी प्रिजर्व रहेगा एंड साथ ही साथ इसमें अगर आप पॉलिश करा लेंगे तो एक चमक भी आ जाएगी, और साथ ही साथ क्योंकि बाहर का है इसीलिए पानी से भी प्रोटेक्शन हो जाएगी। वैसे तो लकड़ी है, पानी से कुछ नहीं होगा, पर फिर भी फॉर सेफ्टी हम लोग करा लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। जब आप नेचुरल वुड पे कलर करा लेते हैं और पॉलिश कराते हैं तो कुछ इस तरीके का टेक्सचर आता है, पर अगर आप एकदम नेचुरल उसे रखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग रद्दा लगवा लेते हैं, और इससे देखिए ये एकदम नेचुरल और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है। तो आपको जो पसंद आए वैसा आप कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वुडन ब्लॉक पे अपना जो भी लिखना है उसे लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं पेंसिल से लिखूंगा, इसके बाद ब्रश यूज करके करूंगा। अगर आपका हाथ साफ है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। पेंसिल से करने का ये फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि हमारी डिजाइन कैसी जा रही है, हमें कैसी रखनी है और इसमें ज्यादा मोटा पतला करना है कि कैसे करना है। तो इससे एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाता है। अब क्योंकि हमारे यहाँ पेंट का काम होता रहता है इसीलिए मेरे पास ये बड़ा डब्बा है। आप चाहें तो 50 ml का सबसे छोटा वाला भी ले सकते हैं। खोलने के लिए मैंने यहाँ पर टेस्टर ले लिया, आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं। साथ में बनाने के लिए पेंसिल यूज की थी। तो अब क्योंकि मैं लिख चुका हूँ तो चलिए इसे लिखना शुरू करते हैं। तो पेंट मैंने खोल लिया है और इसे चलिए लिखना शुरू करते हैं। पर लिखने से पहले पहन लेते हैं ग्लव्स ताकि साफ सुथरा एकदम अच्छा रहे हाथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसके लिए मैं अपने पेंट ब्रश की एकदम टिप पे ही पेंट लगाऊंगा क्योंकि पीछे लगाने पे वो मेरा वेस्टेज ही हो जाएगा। उसे अच्छे से वाइप ऑफ कर लूंगा और फिर अपना पेंट करना शुरू करूंगा। पेंट करने से पहले थोड़ा सा पेंट लगा के देख लें कि आपका पेंट फैल तो नहीं रहा है। अगर फैल रहा है तो उसे गाढ़ा कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों हमारा एस बन चुका है। तो चलिए आगे का शुरू करते हैं। आपका ही प्रोजेक्ट है, अपनी पेस पे करें। तो ये लीजिए दोस्तों हमारा पूरा हो गया है। अब इट्स टाइम फॉर ड्राइंग। तो ये देखिए मैंने चंद्रांशी नेले लिखने के लिए एक बहुत ही सुंदर पैटर्न यूज किया है। आप इसी तरीके से अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं। येलो पेंट जो होता है ना वो थोड़ा सा हल्का होता है, हल्का मतलब कि पतला होता है, इसीलिए इसमें डबल कोट करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं ढक्कन और इसकी वॉल से लूंगा क्योंकि ये वाला पेंट जनरली थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है चिपके रहने की वजह से। तो इसको लेके चलिए इसका सेकेंड पेंट शुरू करते हैं। तो ये सूख जाने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि आप अपना वुडन ब्लॉक कुछ इस तरीके से टांगने वाले हैं इसीलिए आपको इस तरीके से लिखना है कि आपके आगे पीछे जो है वो सेम अलाइनमेंट में आए। इसके बाद चलिए हम बाहर चलते हैं मेजरमेंट लेके हुक लगाने। तो अपने ब्लॉक को लगाने के लिए या तो मैं यूज कर सकता हूँ ऐसे क्वेश्चन मार्क वाले हुक, या फिर अगर आपको ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए तो आप कुछ इस तरीके का भी यूज कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए आप लोग हथौड़ा यूज करेंगे एंड इसको लगाने के लिए आप पहले सुराख कर लीजिएगा, उसके बाद अपने हथौड़े की मदद से इसको घुमा लीजिएगा एज अ स्क्रू। तो उसके लिए आप लोग प्लायर भी यूज कर सकते हैं। ये ले आया हूं मैं अपना ब्लॉक और ये है मेरी रूलर जिससे मैं यहाँ पर मेजर करके फिर अपने ब्लॉक पे मार्क्स लगाने वाला हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों ये अच्छे से टाइट हो गया है। मैंने पहले कील की मदद से इसमें थोड़ा सा सुराख बनाया और उसके बाद मैंने इसमें लगा के इसे प्लायर की मदद से घुमा दिया, और देखिए अभी एकदम परफेक्टली हो चुका है, एकदम टाइट हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों ये पूरी तरीके से सूख चुका है। मैंने येलो से यहाँ पर भी थोड़ी सी लाइंस दे दी थी ताकि और ज्यादा सुंदर लगे। अब वैसे तो ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, पर अगर आप इसे थोड़ा ज्यादा वजन देना चाहते हैं, थोड़ा ज्यादा सॉलिड लुक देना चाहते हैं, तो वैसे केस में आप व्हाइटनर यूज करते हुए इसकी पूरे की आउटलाइन बना सकते हैं। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। तो बस कुछ फाइनल टचेस और ये हमारा हो गया। अब वैसे तो आप इसे एनामल पेंट एंड ब्रश से भी कर सकते हैं,
बट मैंने व्हाइटनर ही क्यों बोला, बिकॉज व्हाइटनर में आपको एक पेन की ग्रिप मिल जाती है और आप इजीली इसे कर पाते हैं, और इसमें एक पतला सा वो चलता है तो इसमें आपकी क्लैरिटी ज्यादा अच्छी होती है एंड डिटेलिंग ज्यादा अच्छे से होती है, तो आपको जिसमें भी कॉन्फिडेंस हो उसमें करके आप इसे आराम से कर सकते हैं। अब आती है बारी फिनिशिंग टचेस देने की। अपने वुड को एक बहुत ही सुंदर शाइन देने के लिए आप यूज करेंगे वॉर्निश। वॉर्निश जो है वो आपको वुडन के लिए भी स्पेसिफिकली मिल जाती है, या फिर आप लोग क्लियर सिंथेटिक वॉर्निश भी ले सकते हैं। इसमें आप पॉलिश भी करा सकते हैं, बट पॉलिश में एक टिपिकल कलर होता है जिससे आपका वुड का कलर जो है, नेचुरल कलर जो है, वो खराब हो सकता है। तो इसीलिए आप क्लियर वॉर्निश ले लें ताकि चमक आ जाए, प्रोटेक्शन हो जाए एंड आपका वुड का कलर वैसे ही मेंटेन रहे। साथ ही साथ आप लेंगे ब्रश। आप अपने ब्रश का साइज इस हिसाब से देखेंगे कि आपकी लकड़ी में मैक्सिमम एफिशिएंसी से जिससे पेंट हो जाए वो वाला। अगर मेरी लकड़ी पतली है पर मैंने मोटा ब्रश ले लिया तो इसमें मेरा वेस्टेज ज्यादा होगा और वो काम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपने ब्रश का साइज अपनी लकड़ी को ध्यान में रखते हुए लीजिएगा। तो इसके पूरे सूख जाने के बाद चलिए इसमें वॉर्निश करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा, इन दोनों को हटाया और लकड़ी का साइज ध्यान में रखते हुए 25 mm वाला। सो ये एंड ये, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रश में आगे थोड़ा सा लगा के एक्स्ट्रा को वाइप ऑफ करके अपने ब्रश को आराम से चलाइए। तो लीजिए, हमने अपना ब्लॉक टांग दिया है और इसके ऊपर वाली गार्डन लाइट, उसका क्या हुआ, प्लान चेंज हो गया। अब देखते हैं लुक नंबर टू। तो उसके लिए क्या करना है, आइए समझते हैं। तो आइए देखते हैं अपना हट का कंसेप्ट। इसको आप स्टील की प्लेट मानिए जो कि हम लोग बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप लोग अपनी स्टील की प्लेट के एजेस थोड़े से राउंड करा सकते हैं, इससे काफी ज्यादा सुंदर लगेगा आपका एंड ये छोटे बच्चों के लिए भी सेफ हो जाएगा। तो हमने राउंड एजेस करा लिए। इसके बाद हम लोग इसको ऐसे फोल्ड कराएंगे। अभी मैं फोल्ड करने के लिए ऐसे पूरा कर रहा हूँ, बट स्टील की प्लेट ऐसे पूरी फोल्ड नहीं होगी। ये हमारी बेसिकली ऐसे 90 डिग्री पे रहेगी, जो कि जब आप ऐसे खड़ा करेंगे तो कुछ ऐसा लुक आएगा एंड साइड वेज आपका कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो इसे 90 पे आप लोग बेंड करा लीजिएगा और इस तरीके से आपकी हट बन जाएगी। अब इसमें जो हम डंडे वेल्ड कराएंगे, एक डंडा यहाँ पे और एक डंडा यहाँ पे, और ये जो है ऐसे आप स्लांट में भी कर सकते हैं या फिर एकदम स्ट्रेट भी कर सकते हैं। और इसके बीच में अगर मैं इन मार्कर्स को खड़ा कर दूं और इन डंडों को अपना बनाऊं, तो इसके ऊपर आप अपनी प्लेट जो है इसे वेल्ड करा लें और यहाँ पर आपका नीचे की तरफ डिजिट रहेगा। तो फाइनली ये है हमारी हट जिसमें हमने यहाँ पर लाइट लगाई है, ऑल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रेन। ये हमारे दो डंडे जो कि वेल्डेड है हमारी 43 वाली प्लेट पे, आप यहाँ पर देख सकते हैं हाउस नंबर जिसमें वेल्ड कराया था उसी से हमने डंडे निकाले हैं। इस प्लेट को बांधने के लिए क्लास्पर यूज किया अपनी एल वाले पोल पे। तो ये लीजिए हो गया, ये देखिए हमने ऐसे कर लिया है। इसको लगा लेने के बाद फिर इसमें हम अपनी लाइट को फिक्स करेंगे। तो चलिए इसे लगा लेते हैं। एक तरीका है कि आप अपने मेटल वाले स्क्रूज से लगा सकते हैं अपने 43 को, और दूसरा तरीका है जिससे आपकी पोल पे डैमेज नहीं होगा, और वो है इन क्लैंप्स को यूज करते हुए। इनको पूरा अच्छे से खोल के उसके बाद आप इसे लगा के आराम से टाइट करके बंद कर सकते हैं। तो अभी हवा बहुत तेज है तो इसीलिए घर के बाहर ही एडवेंचर चल रहा है। चलिए इसे लगा लेते हैं। इसको लगाने के लिए मैं स्क्रूज नहीं यूज करने वाला हूँ, इसको लगाने के लिए जो मैंने आपको क्लैस्पर दिखाया था ना, जो क्लैस्पर लगाने वाला हूँ ये वाली चीज। चलिए इसे टाइट कर लेते हैं फटाफट से और फिर इसमें लाइटिंग का भी सिस्टम कर लेते हैं। लीजिए हो गया और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब करेंगे लाइटिंग का काम। लाइटिंग के काम के लिए मैंने ये ली है विप्रो की कैबिनेट लाइट। आप देख सकते हैं बहुत ही पतली होती है, ये वाटरप्रूफ नहीं होती है, इसीलिए इसको अच्छे से वाटरप्रूफ कर लीजिएगा, मतलब कि इसके ऊपर टेप लगा लीजिएगा या फिर इसके ऊपर शेड बना लीजिएगा। तो आप ये वाली लाइट ले सकते हैं, साथ ही साथ आप ले लेंगे डबल साइडेड टेप। डबल साइडेड टेप इसके पीछे लग जाएगी एंड पूरी की पूरी चिपक जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही में लेंगे कटर और टेप ताकि हम कनेक्शन अच्छे से कर पाए। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब कनेक्शन कर लेते हैं। अब इसे कहते हैं एक परफेक्ट नंबर और नेम प्लेट।
शानदार नाइट लुक। और ये जो हुक्स हैं, इसको उतार के कभी भी पलट के लगा सकते हैं। तो मुबारक है आपको आपकी रेन से टेंशन फ्री सबसे क्रिएटिव और चमकदार नेम प्लेट।